सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 17, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसमें आपको काफ़ी कुछ नया सीखने मिलेगा एंड आई होप आपको मज़ा आएगा। प्रैक्टिस सेट 39 में आपको पहला क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ लाइन एल। ठीक है, सो मैंने ज़रा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक पेंसिल स्केल से लाइन एल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन। इस लाइन पे कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लो और उसको नाम दे दो पी। ठीक है, ये एक पॉइंट है पूरे लाइन पे, मैंने उसको बीच में लिया है। ठीक है, यूजिंग अ सेट स्क्वायर। ठीक है, इसको कहते हैं सेट स्क्वायर। ये आप देख रहे हो थोड़ा पुराना है, बट इसको कहते हैं सेट स्क्वायर। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है टू द लाइन एल। ये जो लाइन एल है, जो ये स्लिपिंग लाइन है, इसके अगेंस्ट में आपको एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। किसके मदद से? इस सेट स्क्वायर के मदद से। कहाँ पे? एट द पॉइंट पी। ठीक है, सो बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, पहले आपने लाइन एल ड्रॉ किया। ठीक है, फिर मैंने सेंटर पे क्या किया, एक पॉइंट पी बनाया। अब इस सेट स्क्वायर के मदद से ध्यान से देखो उसको करते कैसे। ठीक है, एकदम इजी है, प्लीज ध्यान देना। ये छोटा पार्ट इस साइड होना चाहिए और ये बड़ा पार्ट नीचे साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो छोटा पार्ट है वो स्टैंडिंग होना चाहिए और ये जो बड़ा पार्ट है वो स्लिपिंग होना चाहिए। अब ये दिख रहा है आपको सेट स्क्वायर, ये वाला पॉइंट जहाँ से मैं पेंसिल भी दिखा रहा हूँ, वो और पी दोनों सेम पे रखो आप। समझ में आ रहा है आपको क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? देख रहे हैं आपको, ये एक लाइन जा रही है यहाँ पे और ये पॉइंट पी पे यहाँ पे वो मिल रहा है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से पकड़ो। अभी मैं तो एक हाथ से मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, बट आपके पास दोनों हाथ है तो एक हाथ से आप पेंसिल पकड़ोगे और दूसरे हाथ से आप ये सेट स्क्वायर पकड़ोगे, आप एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे। मेरे लाइन टेढ़ा क्यों है? क्योंकि मैं एक हाथ से बना रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों हाथ से बनाना, एक स्ट्रेट लाइन खींचना। ठीक है, इस लाइन सीधी आएगी, इसको बोलते हैं लाइन जो क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री होता है, किसको? लाइन एल को। इसको आप नाम दे दो ए, आप कोई भी लेटर लिख सकते हो। समझ में आ गया? तो ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा आया क्योंकि मैंने एक हाथ से बनाया। यही आप अच्छे से पेंसिल स्केल के साथ पकड़ते हो, वैसे इसको भी अगर अच्छे से पकड़ के खींचोगे आपका सीधा लाइन आ जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। सो इसमें आप देखोगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन में हम अलग अलग तरीके से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। पहला हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या किया, यूज सेट स्क्वायर। अब दूसरे में देखो क्या करने का है, ड्रॉ अ लाइन ए बी। सो अगेन पहले से मैंने लाइन ए बी ड्रॉ करके रखा है यूजिंग अ कंपास। कंपास किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको कहते हैं कंपास, राउंडर भी कहते हैं बहुत लोग इसे। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर मतलब अगेन एक ऐसी लाइन बनानी है जो क्या होगी, सीधी जाएगी। किसको किसको जाएगी सीधी? ए बी को, एट द पॉइंट बी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसको करते कैसे, प्लीज ध्यान से देखना जरा। ठीक है, अब क्या करने का, आपको पता नहीं ये हाफ है, ये पूरा है, ये हाफ है, तो आपको क्या करने का, बी से रखो और मोर देन हाफ, मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आधा है, सो बी से रखो और मोर देन हाफ, थोड़ा बड़ा करो इसको। ठीक है, ये बी पे मैंने रखा, ओके, और ये आधा है तो थोड़ा सा बड़ा करो इसको, बी पे रखो और एक यहाँ पे आर खींचो। समझ में आ गया? जितना डिस्टेंस आपने यहाँ से किया अब वैसे ही आपको ए से भी करना होगा। ओके, अब आपको वही चीज़ ए से करना है। अब ए पे रखेंगे राउंडर, ए पे रखा आपने और ऐसे ही एक आर्क यहाँ खींचो। ये जो मैंने खींचा है इसको कहते हैं आर्क, ए आर सी आर्क। ओके, अब क्या करने का स्टूडेंट्स, ये जो पहला आर्क मतलब ये दोनों आर्क है, अब ये आर्क पे अब क्या करो, राउंडर रखो, एक आर्क ऊपर खींचो और एक आर्क नीचे खींचो। समझ में आ गया? यहाँ पे रख के एक आर्क ऊपर खींचो, एक आर्क नीचे खींचो। अब वैसे ही जैसा आपने यहाँ पे रख के किया
आपको यहाँ पे रख के करना है, सेम वैसे ही करना। पॉइंटर रखा, ओके, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, ओके। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जहाँ पे ये दोनों आर्क मिल रहे हैं, ठीक है, उधर पे स्केल लगाओ और उसको एक स्ट्रेट लाइन खींचो, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। सो प्लीज़ पेंसिल स्केल अच्छे से करना, हाथ से मत करना तो बहुत गंदा आएगा, ओके, इट विल नॉट लुक गुड। सो थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही क्योंकि मैं एक हाथ से कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इसको आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पेंसिल स्केल से करना। सो आप देख सकते हो जैसा पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले सब में मैंने एक लाइन परपेंडिकुलर बना था, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन मारा है। ये होगा 90 डिग्री, ए बी को परपेंडिकुलर है, इसको नाम दे दो, कुछ भी दे दो, सी दे दो, यहाँ पे डी लिख दो, समझ में आ गया। सो पहले में हमने क्या यूज़ किया था, सेट स्क्वायर, दूसरे में हमने क्या किया था, कंपास। अब तीसरे में देखो क्या करता है, ड्रॉ लाइन सी डी, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैंने सी डी लाइन पहले ड्रॉ कर लिया था। टेक एनी पॉइंट एम ऑन द लाइन, कहीं पे भी आपको पॉइंट एम लेना है इस लाइन पे। अगेन जैसे यहाँ पे मैंने सेंटर पे लिया था पी, वैसे ही इस लाइन के सेंटर पे मैं लिखूंगा एम, ठीक है। यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर, स्टूडेंट्स प्रोट्रैक्टर किसको कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोट्रैक्टर, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके मदद से क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर, अगेन आपको एक सीधा लाइन खींचना है, टू लाइन सी डी, जो सी डी है इसके खिलाफ है, आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, कहाँ पे, एट पॉइंट एम, समझ में आ गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या यूज किया था, एक सेट स्क्वायर, अब थर्ड क्वेश्चन में हम क्या यूज करेंगे, एक प्रोट्रैक्टर, ठीक है। इसको देखो कैसे करने का, पहले सी डी खींचा लाइन, फिर पॉइंट एम लिया, फिर क्या करने का, स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पॉइंट जहाँ मैं पेंसिल से दिखा रहा हूँ, वो पॉइंट इस पॉइंट पे आना चाहिए, और ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ब्लैक लाइन, ये वाली ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, वो इस लाइन पे आनी चाहिए, ठीक है। ये आपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में किया है एंगल बनाने के टाइम, आप देख सकते हो पॉइंट एम जहाँ पे लिया था वो वहाँ पे है, और जो ब्लैक लाइन है उसके ऊपर मेरी ब्लैक लाइन जा रही है, ओके। और स्टूडेंट्स 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री सबसे ऊपर वहाँ पे डॉट मारो, इसको हटा दो। अब क्या करना है, एक स्केल लो, जहाँ पे ये डॉट और पॉइंट एम मिल रहा है उसको पेंसिल स्केल से अच्छे से जोड़ दो, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी आ रही क्योंकि मैं एक हाथ से कर रहा हूँ और एक हाथ से शूटिंग हो रही है यहाँ पे मोबाइल से। सो प्लीज़ आप अच्छे से इसको पेंसिल स्केल से अच्छे से स्ट्रेट लाइन खींचना, ठीक है। ये भी क्या होगा 90 डिग्री, इसको नाम दे दो ए, ठीक है। सी यहाँ पे आप अच्छे से करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, है ना, पेंसिल स्केल से अच्छे से ड्रॉ करना, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स इस तीनों क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, तीनों में हमने क्या बनाया था, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, लेकिन पहले क्वेश्चन में हमने क्या यूज़ किया था, सेट स्क्वायर, क्या करने का, इसको ऐसे रख देने का और एक स्ट्रेट लाइन खींचने का, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, एक राउंडर यूज़ किया था, कंपास यूज़ किया था, और इसमें क्या किया था, हमने कुछ नहीं किया, बस ज़्यादा से ज़्यादा इसको सिर्फ यहाँ पे रखा था पॉइंट एम पे, पॉइंट एम पे ये काला डॉट जाएगा और जो एक ब्लैक लाइन जा रही है वो इस ब्लैक लाइन पे आएगी ऐसे, और जहाँ पे 90 डिग्री है वहाँ पे पॉइंट रख के वहाँ से पेंसिल स्केल से जोड़ दिया, समझ में आ गया। तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। सो प्लीज़ प्रैक्टिस करना, हाथ से मत करना स्टूडेंट्स, नहीं तो टीचर मार्क्स नहीं देगी, आप लोगों को पेंसिल स्केल अच्छे से यूज़ करना है, ओके। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रैक्टिस एट 40।